हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी तो याद ही होंगे आपको, जिनकी कुछ समय पहले हत्या कर दी गई थी। अब उनकी पत्नी किरण तिवारी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। किरण ने लखनऊ के नाका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि धमकी मिलने के बाद से वो दहशत में है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जरूरत के अनुसार उनको सुरक्षा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर को कमलेश तिवारी की पत्नी के आवास पर खत भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। किरण तिवारी को घर के अंदर ये धमकी भरा पत्र मिला। ये पत्र 9 पन्ने का है, जिसमें 2 पन्ना उर्दू भाषा में लिखे गए हैं और इसका अनुवाद करने पर किरण तिवारी को जान से मारने की धमकी का पता चला। 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उनकी पत्नी किरण तिवारी ने अपने पति की जिम्मेदारी संभाली है। किरण तिवारी को हिंदू समाज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ में कमलेश तिवारी से मिलने का बहाना बनाकर अशफाक और मोइनुद्दीन उनके घर पहुंचे थे और चाकू मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी। हाई प्रोफाइल कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किरण तिवारी से मुलाकात की थी। इस दौरान किरण तिवारी ने अपने पति कमलेश तिवारी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की थी। 16 तारीख को शाम को 4 बजे पत्र मिला था। 18 तारीख को मैंने की एफआईआर दर्ज कराई नाके थाना इंस्पेक्टर के पास। उसकी कोई कार्रवाई अभी तक जानकारी नहीं हुई हम लोगों को कि इसका क्या कार्रवाई की है। उसके लिए हमने भाजपा सरकार से जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि तिवारी जी की जो सुरक्षा नहीं दे पाए भाजपा सरकार, दोबारा वो गलती ना करें। अगर दोबारा जो है जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हमको जेड प्लस सुरक्षा की सुरक्षा दें।